अबे तेज कर रहा, सब कर रहा मैं टेंशन। अरे तू यहां मत बैठो, मेरे भी आंखें लाल है फिर। ये भी सही बोला। हो गया, अब उससे ज्यादा तुम्हें हवा आ रही है ना? ऐसा कौन है जिसे हवा नहीं लग रही? हाथ खड़े करो, जिसको हवा नहीं लग रही है मत लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, होमवर्क किसने किया, किसने किया होमवर्क? कल तुम क्यों नहीं आई थी? अरे हंसने के लिए नहीं बोला मैंने, होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ क्यों नहीं आई थी? जमे किसे अच्छा नहीं लग रहा? तुम अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ? घर जाना है, पीछे बैठना है, लाइट के वैसे जब वहां पे तुम आओ सामने बैठो, यहाँ पे आके इधर शिफ्ट हो जाओ। अच्छा तो जाओ ना वहाँ पे, वहाँ पे कितने जन है? 3 लोगों का। ए भाई उठो दोनों, हो जाओ पीछे, तुम अकेली नहीं तो तुम दोनों हो जाओ, और ये ऐसे हो जाएंगे पीछे, दोनों हो जाओ। किसको दिक्कत हो रही है? अरे हवा इतनी अच्छी है, हो जा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ही तो कूलर होना था। नहीं सर दुखता नहीं है, वो बात अलग है। ए आवाज कम हो गया, कर लिया था ना लगभग सबने। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं जमा, ऐसा कोई है? सेकंड वाला मैंने बोला था कि करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, मैं बताऊंगा। और कोई है जिसे नहीं जमा? नहीं जमा, नहीं सेकंड वाला ना, सेकंड वाला मैंने बोला था छोड़ देना, मैं कराऊंगा। सेकंड वाला होमवर्क नहीं किया तूने, ये बाकी करने के लिए बोला था मैंने, तुमने नहीं। सेकंड वाला मैंने बोला भी था नहीं कर। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे नोट्स के लिए, तुमको बताया ना भैया ने क्या करना, तो बस बता रहा हूँ ना। अब देखो कल अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे है ना, उसमें क्या था, दो इक्वेशन दिख रही है इसमें ना, एक्स का सेम है और ना, बस जो सेकंड वाला है ना वो इस फॉर्म में दिख रहा है तुमको। देखो इधर क्या है, इधर 11 है, ये कौन से टाइप का है? देखो इसमें ना अलग क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे, ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है? पहले इक्वेशन का जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो सेकंड में किसका है, और फर्स्ट में जो वाई का सेकंड में,
एक्स इंटरचेंज दिख रहा है ना, जब भी तुमको ऐसा दिखे है ना, इसको तुम पहले जैसा भी सॉल्व कर सकते हो जो क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने, है ना, कि देखते थे कि दोनों को सेम टर्म कर दे, है ना। अब दोनों को जब सेम करना है तो 15 और 17 के टेबल में सेम नंबर कौन सा आता है ना, ना 15 17 के इसमें आता है ना 17, तो ऐसे समय तुमको क्या करना है कि दोनों के इसमें कौन सा नंबर आ रहा है सेम, है ना। तो दोनों नंबर जैसे 15 और 17 के इसमें सेम नंबर आना मतलब क्या निकालना दोनों का, बताओ जरा। एलसीएम की एचसीएफ क्या निकालना, तो तुम इसको एलसीएम निकाल के कर सकते हो, कोई एक नंबर कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 15 इंटू 17 कर दो, वही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, 17 क्या है, ठीक है, और प्राइम नंबर का फैक्टर केवल क्या होता है, 1, क्या होता है, तो 1, तो वही आने वाला है, तो 15 इंटू 17 जो भी करेंगे वो आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा आ जाएगा, है ना, बहुत बड़ा आ जाएगा। तो उसके सिवाय इसको एक दूसरा भी मेथड है तुम कर सकते हो, क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेना, क्या कर लेना। अब बोलेंगे भाई आपने तो बोला था ऐड तब करना जब सेम टर्म का साइन क्या हो, क्या हो, और सेम टर्म का साइन सेम है तो क्या करना, वो तब करना जब टर्म्स क्या दिखेंगी, सेम, जब टर्म्स क्या दिखेंगी, इसमें टर्म सेम है क्या, टर्म सेम नहीं है, बट इंटरचेंज जो एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, क्या है, इधर एक्स का जो इधर वाई का है, इधर वाई का जो इधर, ऐसा जब भी दिखे तो एक बार इक्वेशन को क्या करना, ऐड करेंगे नया इक्वेशन आएगा उसको एक इक्वेशन नंबर दे देना, फिर से इन दोनों को क्या करना, सबस्ट्रैक्ट, क्या करना, फिर एक नया इक्वेशन आएगा और फिर दोनों को सॉल्व करना, समझा। देखो क्या है क्वेश्चन, 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, और सेकेंड ये है गिवन इक्वेशन r, पहला इक्वेशन क्या है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, इसको दिया इक्वेशन नंबर, सेकेंड क्या है 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, इसको दिए क्वेश्चन नंबर, आ गया x का y के पास और y का, ऐसा जब भी दिखे लीनियर इक्वेशन में तो एक बार इक्वेशन को क्या करना, ऐड, क्या करना, तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, ऐड करें, ऐड करो, क्या होगा 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, दिख रहा है ना, बोलना ऐसा नहीं दिख रहा है, 17x प्लस 15y, हाँ तो थिकनेस है ना, गिवन इक्वेशन आर 15x 121 और नेक्स्ट है 1 और इसको दिया x का y के पास और y का, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 प्लस 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, ठीक है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, जब प्लस करोगे तो नीचे वाले का साइन चेंज, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, तो साइन चेंज हो रहा है क्या, तो बस याद रख लो कि जब भी दो इक्वेशन का ऐड करोगे तो जो नीचे लिखोगे ये वर्टिकल कर रहे कि हॉरिजॉन्टल कर रहे, वर्टिकल मतलब और हॉरिजॉन्टल मतलब, तो खड़े में कर रहे कि सोए में कर रहे, खड़े में कर रहे ना, तो खड़े में देखना जो सेकंड वाला इक्वेशन आएगा, दो दो इक्वेशन को जब ऐड करोगे जो सेकंड आएगा तो उसका साइन चेंज,
माइनस करेंगे तो साइन चेंज, प्लस करो, 5 + 7 12, 12 का 2 कैरी, 1 + 1 ठीक है, इधर भी सेम वही आएगा, इधर भी सेम वही होगा, ठीक है। अब कॉमन मतलब पता है क्या, कॉमन पता है ना, फैक्टर निकालना पता है ना, फैक्टर दो तरीके से निकलता है, एक सेम दिखे तो उसको खींच लो, सेम नहीं दिख रहा है तो भी खींचना पड़ता है, सेम नहीं दिखे तो खींचना कब, देखो अब तो सेम दिख रहा है इसमें, है ना, किसमें से, इन दोनों में से क्या सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो मैं इसके पास से भी 32 ले सकता हूँ, ले लिया 32, तो इधर क्या बचा, इसके पास से गया तो इसका साइन क्या निकाला मैंने, क्या निकाला, इसलिए इनका साइन जैसे को ऐसा रखा, वही अगर इसका साइन क्या निकलता तो साइन क्या कर देता, इधर क्या बच गया, ठीक है, तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 32, ये इसके साथ क्या है, उधर जाके x प्लस वाई कितना आ गया, इसको एक नया इक्वेशन दिया, समझा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 3, समझा। नेक्स्ट सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, कोई कोई ऐसा लिखता सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, है ना, 1 मतलब 1 को किस में से माइनस करना है, तो किसको पहले लिखूंगा, 1 को कि सेकंड को, 2 को पहले लिखूंगा सेकंड को, तो उससे बड़े ऐसा लिख देना झंझट ही नहीं रहता है, सबस्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हाँ अच्छा ठीक है, तो उससे बढ़िया झंझट रखने का नहीं, डायरेक्टली लिखना है सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 1 क्या था मेरा, +17y = 21, ठीक है, माइनस करूंगा तो क्या लगूंगा, माइनस का साइन, 17x + = क्या का लगाया मैंने, तो क्या बोला था, प्लस करूंगा तो साइन चेंज, माइनस लगाऊंगा तो इसका साइन क्या है, क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस, इसका साइन, इसका, समझा। अब बोलेंगे भाई 15 में से तो 17 जाता नहीं है, अच्छा 5 में से 7 गया जाता है क्या, तो कैरी लूंगा, 15 हो गया, 15 में से 7 गया, ऐसा करना क्या, ठीक है, बड़ा नंबर जो दिख रहा उसमें से छोटे को क्या कर देना, डायरेक्ट करो, 17 में से 15 गया, और x जैसे का, समझा, इधर +2 आएगा, और इधर कितना आएगा, 10 की माइनस 10, -10 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों नंबर, दोनों में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 निकाला कॉमन, यहां से मैंने 2 का साइन क्या निकाला, क्या निकाला, तो सब चेंज करूंगा क्या साइन, देखो ये -2x जो है ये x का भी साइन और किसका साइन है, तो मैंने 2, तो यहां से 2 मैंने क्या लिखा, प्लस में लिया ना, तो इस माइनस किसको लग जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स, और इधर क्या बचेगा, -x + y, इधर 10 जैसे का, ठीक है। अब ये इन दोनों किसमें है, किसमें है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके 10 हो जाएगा अपॉन 2 -x + y, कितना हो गया, 5 आया, -x + y कितना आया, तो दिया इक्वेशन नंबर, किसी को डाउट है, हो गया,
अब देखो ये एक इक्वेशन आया, अरे ऊपर में एक इक्वेशन है, ये फोर्थ हो गया, अरे थर्ड हो गया, ठीक है। एक बार ऐड किया और एक बार क्या किया, ऐड करने पर एक ही इक्वेशन आया और सबसेक करने पर नीचे वाला आया, ठीक है। तो दोनों को देखो आप, उसमें कैसे करते थे, सेम टर्म कर लेते थे, फिर सेम टर्म करने के बाद देखते थे कि जो टर्म सेम है उनका क्या चेक करते थे। तो यहाँ पे साइन ही नहीं, पहले चेक करो सेम टर्म है कि नहीं है, सेम टर्म नहीं होगा तो तुमको सेम टर्म करना पड़ेगा। सेम टर्म मतलब कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे कितना है एक्स का, इधर इधर वाई का, इधर एक्स का भी सेम है और दोनों सेम है, मतलब हम आगे प्रोसेस अपनी कर सकते कंटिन्यू। तो आगे प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए जो टर्म सेम है उनका क्या चेक करना पड़ता है, साइन क्या चेक करना पड़ता है, एक्स एक्स भी टर्म सेम है और तो एक्स का साइन क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, और वाई का तो तुम्हारी इच्छा ऐड भी कर सकते हो और डबल अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है ना, ऐड करो या ऐसा सिचुएशन जब भी आए या मौका मिले तुमको तो हमेशा ऐड को प्रेफरेंस देना, इसको देना, ऐड को देंगे तो ऐड में कुछ नहीं करना पड़ता। देखो माइनस में अगर तुमने ये साइन चेंज नहीं किया तो आंसर पूरा क्या हो जाएगा, ऐड में साइन चेंज करने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं, समझा। हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ यहाँ पे टू था, टू निकला बाहर तो क्या बचा यहाँ पे एक्स, अरे जो भी कॉमन निकाला ना उससे डिवाइड कर दे उसको, से क्या कर दो, हाँ तो माइनस टू एक्स को टू से डिवाइड किया, टू से टू क्या बचा, समझा। थोड़ा स्लो है, कुछ दिन बाद फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इधर है, ठीक है, एडिंग 3 एंड b क्या था, x प्लस y इक्वल टू, और दूसरा वाला क्या कर रहा हूं, प्लस दे दू, प्लस दूंगा तो साइन चेंज होगा क्या। अब देखो x का साइन क्या है और इसका प्लस माइनस, इसके सामने, इसके सामने 1 माइनस 1 कट कर दू, 1 प्लस 1, वाई जैसे का 1 प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके वाई कितना आ गया, कितना आया 3 आया। अब टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास, दो है कि चार है, कितने हैं, चार है। अब चारों में एक्स वाई है, चारों में एक्स वाई है ना, तो तुम चारों में एक्स वाई है तो वाई की वैल्यू चारों में से कहीं पे भी रख सकते हो जाके, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में भी। और लेकिन देखो हमेशा जब भी हम कहीं जाते हैं महाप्रसाद वगैरह खाने तो हमेशा देखते ना कम भीड़ जहाँ रहेंगी वहाँ उस लाइन में लग जाते, तो सेम यहाँ पे भी इसमें भी ऐसा ही करना, ठीक है। जो इक्वेशन सिंपल दिखे, जो इक्वेशन उसमें पटकना, कोई तुमको पुरस्कार नहीं देगा कि नहीं मैंने एकदम हार्ड वाला इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू लाया हो, उससे लेना देना रहता क्या उसको, वो आंसर से मतलब है, तुम हार्ड वाला इक्वेशन सॉल्व करो या सिंपल वाला सॉल्व कर। तो हमको तो जितना तुमको समय बचेगा उतना तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, तो सिंपल वाले में पटकना, सिंपल यही दोनों थे थर्ड और फोर्थ, तो किसी एक में पटक दो, मैं थर्ड में रख रहा हूँ, किस में रख रहा हूँ, वाई के जगह कितना, पुट वाई इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थ्री बी गेट, क्या था एक्स प्लस वाई कितना है इक्वल टू कितना था, ठीक है, इसका साइन क्या है, उधर जाके 1 माइनस 3 हो गया, x कितना हो गया माइनस 2, समझा, x और y की वैल्यू आ गई। देखो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x कॉमा y इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 3, किसी को डाउट है, पक्का, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, बाकी कर लोगे, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो सिक्स एट और नाइन,
एट और नाइन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड में वो किसका है, y का है, और यहाँ पे y का जो किसका है, सेम इसके ऐसा था, तो क्या करोगे, एक बार ऐड और एक बार ऐड करने पर एक इक्वेशन आएगा, सबसेक करने पर एक आएगा, फिर दोनों को क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व, समझा। नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसा ही है, नाइन वाला भी, तो तुम्हारा होमवर्क है वो, क्या है, समझा, मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, टेन। दसवा क्या है क्वेश्चन, वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई टेन अपॉन आगे टू एक्स प्लस वन बाय फोर, इसको दिया वन और इसको दिया, सेम है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कौन सा टर्म सेम दिख रहा है, कोई टर्म सेम दिख रहा है क्या, ना एक्स सेम है और ना नहीं, एलिमिनेशन ही पड़े, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है, वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन बाय थ्री, टू एक्स प्लस वन बाय फोर इक्वल टू इलेवन बाय, अरे समझ रहा है ना, तो चेहरे पे तो हंसी दो, हाँ चलो, वन बाय फोर वाई, ठीक है, ना x का सेम है और ना ही, तो तुमको सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x के सामने कितना है, इधर कितना है, देख के डर लग रहा भैया, फ्रैक्शन आ गया क्या करे, है ना, फ्रैक्शन आ गया क्या करे, तो तुम चाहते हो तो फ्रैक्शन हटा सकते हो, तुम चाहते हो तो फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन नहीं हटाना है तो भी सॉल्व होता है, ठीक है, अरे समझा, तो मैं फ्रैक्शन हटा के बता रहा हूँ, देखो इक्वेशन वन इम्प्लाइज, इक्वेशन वन वन था, वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन बाय थ्री, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, या x हो जाएगा, इधर थ्री वाई हो जाएगा, और थ्री वन जा, अरे टेन बाय थ्री जैसे कहा, ये थ्री से ये थ्री, समझा कैसे कट हुआ, ये इस ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई में थ्री आ जाएगा, और ये थ्री क्या हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ही कट कर दिया इधर से, समझा, किसी को डाउट, नया इक्वेशन क्या बना, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टेन, इसको दिया इक्वेशन नंबर, समझा, हाँ नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन टू इंप्लाइज 2x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, इसके नीचे 8x, एक्स फोर टू जा वन इंटू वन, फोर वन जा इलेवन बाय फोर जैसे का, ये फोर से ये फोर, समझ रहा है ना, इधर हो गया 8x, इधर हो गया 1y, और इधर हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर, मैंने फर्स्ट को मॉडिफाई किया तो ये थर्ड बना, सेकंड को मॉडिफाई किया तो लीनियर, इस क्वेश्चन में जब भी तुम किसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करो तो उसका यूज दोबारा करना क्या नहीं, वैल्यू नहीं पुट करने में कर सकते हो, पुट करने में, लेकिन साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करोगे तो उसका यूज नहीं करना, ठीक है, तो थर्ड और किसको देखना, फोर्थ को, तो थर्ड और फोर्थ में क्या सेम दिख रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो मुझे अब सेम करना पड़ेगा, सेम, तो सेम करने के लिए क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो अब वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है किसको सेम करना, कितनी अच्छी छूट दी है ना, वो बोल रहा है कि एक्स को ही सेम करो, वाई को ही सेम करो, तुम्हारी इच्छा, एक्स को करना है तो एक्स को करो, वाई तो करना है तो चेक करो, यहाँ पे एक्स के सामने कितना है, इधर, तो वन को एट कर सकता हूँ क्या, कैसे करूँगा, एट से मतलब एक्स सेम हो गया, अब चेक करो वाई सेम कर सकता हूँ, इधर कितना है, इधर, तो वन को थ्री कर सकता हूँ, कितने से, मल्टीप्लाई की डिवाइड, थ्री को वन कर सकता हूँ, थ्री को वन नहीं कर सकता हूँ, कर सकते, कर सकते,
कैसे, कितने से? लेकिन डिवाइड ज्यादा यूज तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है? छोटा नंबर से किससे करूंगा, वाई वाला सेम कर रहा हूं, ठीक है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3 ऑन बोथ साइड्स दी गेट, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? ये है ना 8x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8x प्लस 1y इक्वल टू 11 इंटू 3, से ही करना है ना मल्टीप्लाई। ये चौथा इक्वेशन था मेरा 8x प्लस 1y इक्वल टू 11, दोनों साइड कितने से करना है, तो इधर भी 3 से और इधर भी करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 8, एक्स जैसे का ये 3y हो जाएगा, 11 3 जा 8 3 जा, एक्स जैसे का ये 3y हो गया, और ये कितना, इसको दिया इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, फोर को कि थर्ड को, किसको? तो फोर्थ का यूज किसको करना, अब तो 3 और 5 को देखो क्या सेम दिख रहा है, कौन सा सेम दिख रहा है, 3y सेम दिख रहा है, सम सेम हो गई, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, साइन क्या है उनका सेम है, मतलब क्या साइन है, प्लस है कि माइनस है, क्या है, दोनों का साइन सेम है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हाँ प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, साइन सेम है ना, हाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, साइन सेम है किसका, सेम टर्म का, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को, माइनस, साइन डिफरेंट है किसका, सेम टर्म का, तो दोनों इक्वेशन को, तो साइन सेम है कि डिफरेंट है, सेम है कि डिफरेंट है, किसका साइन देख रहे हैं, 3y का ना, तो इसका साइन क्या है, इधर दोनों का सेम है, तो क्या करना है, समझा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3, तो पहले 5 लिख रहा हूं मैं, 24x प्लस 3y इक्वल टू 33, ठीक है, क्या करना है माइनस, सेकेंड वाला क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 10, माइनस करेंगे तो क्या करना है, क्या करना है, नीचे वाले का इसका साइन क्या है, तो ये और ये इसके सामने कुछ नहीं, मतलब इसका साइन क्या है, और इसका प्लस माइनस कितना बचेगा, 24 में से 1 गया, x जैसे का 3 में से 0 गया, 3 में से 1 गया, कितना आएगा, कितना आएगा, x इज इक्वल टू अपुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, टोटल कितने इक्वेशन थे, 5 की 4, कितने थे, पांचों में से कहीं भी पटको, पांचों में से तो 3 इजी दिख रहा है ना, 3 में रखो, इन इक्वेशन वी गेट, क्या था इक्वेशन 3, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, तो 1 रख दू, प्लस 3y इक्वल टू 10, प्लस उधर जाके 10 माइनस कितना आएगा, ये दोनों किस में है, उधर जाके कितना आएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन of given equation is x comma y equal to 1, 3, समझा, किसी को डाउट नहीं ना,
लिखो,